प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में, वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम। आप वीडियो के माध्यम से सहर्ष इन मैटरों को आप ग्रहण करते रहें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। आज आपका जो चल रहा है भवत सर्वनाम शब्द, भवत शब्द को भी क्या जानते हैं? प्रथम पुरुष के नाम, प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में जानते हैं। इसके सर्वनाम शब्दों को इसके सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। इसके जो सर्वनाम शब्द हैं उनको भी तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। युष्मद् व अस्मद्, सर्वनाम शब्दों को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। युष्मद् व अस्मद् सर्वनाम शब्दों को छोड़ करके शेष सभी जो सर्वनाम शब्द हैं वो कौन से पुरुष में गिने जाते हैं? प्रथम पुरुष में गिने जाते हैं। इनके इन सर्वनाम शब्दों को भी, अर्थात भवत जो सर्वनाम शब्द हैं, इसको भी तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग का एक वचन होता है भवान, द्विवचन है भवंतौ और बहुवचन है भवंतः। ऐसे ही स्त्रीलिंग का होगा, स्त्रीलिंग का होगा भवती, भवत्यौ, भवत्य है। नपुंसक लिंग में है भवते, भवते, भवती और भवंती। अब इसका जो है वो है आप, इसका है आप दो और इसका है आप सब। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि युष्मद् और अस्मद् को छोड़ करके शेष सर्वनाम शब्द है, जैसे भवत है, इदम है, किम है, यत है, एतद है, जो भी सर्वनाम शब्द हैं, ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। और इनके जो कर्ता होते हैं, ये सर्वनाम शब्द जो कर्ता के रूप में गिने जाते हैं, इनको प्रथम पुरुष में गिना जाता है। सभी को ये ध्यान रखना है, इनको प्रथम पुरुष में गिना जाता है और प्रथम पुरुष के रूप में ही इनको जानते हैं। इनके जो भी वाक्य में ये कर्ता के रूप में उभरेंगे आएंगे, तो इनको प्रथम पुरुष के रूप में ही, यानी प्रथम पुरुष के आधार पर इनका क्रिया का रूप होगा। जैसे इसमें भरेंगे अपन, जैसे मान लो अपने पास है, जैसे खालिस्तान अजहा, और कोष्ट में दे दिया भवत। प्रिय विद्यार्थियों समझो कि भवत आ गए, तो भवत का मतलब आप, भवत का मतलब आप है, और ये तीनों लिंगों में अलग अलग है। तो तीनों लिंगों में अलग अलग, तो ये स्त्रीलिंग है और ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो जब ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो भवत का स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या है? ये देखो, भवत्य है।
तो इसमें क्या भर देंगे, भावत्या है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नंबर दो बात, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया मनुष्य और इसमें कोष्ठ में दे दिया भवत, तो आप समझो भवत के तीनों लिंगों में अलग अलग सर्वनाम शब्द है, तो मनुष्य पुल्लिंग का बहुवचन है, तो इसलिए भवत का पुल्लिंग का बहुवचन क्या होगा, भवंत है, क्या होगा, भवंत है। इस प्रकार से आप सब इन सर्वनाम शब्दों को अच्छी तरह रटें, पढ़ें और मनन करें, विचार करें और पढ़ करके, और आप भी ऐसे भरना सीखें। आगे आपको जैसे ऑफलाइन चलेंगे तो विस्तृत रूप से और भी बताया जाएगा, आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें, सहर्ष होकर के। धन्यवाद।